हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर संतों ने नई मुहिम छेड़ते हुए इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हुंकार भरी है। संतों की इस मुहिम में भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने भी सहमति जताते हुए इसे आने वाले कल का भविष्य बताया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और दिवंगत अखाड़े के सचिव बाबा हठयोगी ने इसकी शुरुआत पहले नवरात्रे से की जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में गंगा और हिमालय को लेकर चिंता जरूरी है, जिसके लिए पहले नवरात्रे में शुरुआत की जाएगी। संतों ने इसके लिए आर्गय कुंभ में भी अलग जगाने की बात कही है। गंगा के लिए चल रही नमामि गंगे योजना पर बोलते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि इस तरह की योजनाओं का जिम्मा केवल सरकारों का नहीं होता, इसके लिए आम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हिमालय और गंगा, यहाँ अगर हरी और गंगा द्वार में अगर गंगा में गंगा जल नहीं रहेगा तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हम सनातन धर्मी हैं, हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, पितृदेवता हैं, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह। वैज्ञानिकों ने कह दिया है, हमने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने, कि अगर हम लोग चेते नहीं तो अगले एक आध दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी तो क्या गंगा में पानी बच जाएगा, क्या उत्तराखंड बच जाएगा, क्या भारत बच जाएगा, क्या विश्व बच जाएगा। उसकी दूसरा जो पार्ट है रिपोर्ट का, वो ये कह रहे हैं कि जो विकसित देश है जैसे सिंगापुर है, जापान है, जैसे आपका अमेरिका है, उसके बहुत से हिस्से, इंग्लैंड के बहुत से हिस्से, जर्मनी के बहुत से हिस्से, और भारत के और आसपास के देश तो डूबेंगे। मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है वो जो है 100-200 मीटर पानी के नीचे होगी, और ये सारी की सारी स्थिति अगर बनी है तो ये मानव निर्मित है। तो हम सब लोगों को एकजुट होकर के यहाँ का जो हमारा संत समाज है उनके आशीर्वाद से, और जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म और धार्मिकता, भारत और भारतीयता का जो परचम लहराने का काम किया है, मुझे भरोसा है कि उनके आशीर्वाद से भारत हिमालय और गंगा की कृपा से सोने की चिड़िया भी बनेगा अगर हमने उस पर ठीक ढंग से काम किया, और साथ के साथ में जो है विश्व गुरु भी बनेगा। देखिए, सरकार के साथ साथ हम लोगों की सबकी जन सहभागिता जब तक नहीं होगी, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है जब तक जन सहभागिता नहीं होगी। हम लोगों को, जनता को भी जागरूक करना होगा, क्यों कि अगर गंगा बचेगी, हिमालय बचेगा तो जीवन बचेगा। अगर हिमालय और गंगा ही नहीं रही तो जीवन यूँ समझ लीजिए कि बहुत कठिन हो जाएगा। और संत समाज को इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि संत समाज हमेशा पहाड़ों में और नदियों के किनारे इस तरह के अपने आश्रम बना के रहता चला आया है। तो ऐसी स्थिति में संतों को आगे आना चाहिए और गंगा और हिमालय की सुरक्षा के लिए उनके जो ग्लेशियर दिन रात पिघल रहे हैं उनको किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी योजनाएं बने जिससे हम इन जो पिघलते जा रहे हैं उनसे मुक्ति को प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात है कि सरकारों ने गंगा जी के प्रति अपना भाव प्रकट किया, परंतु ये दुर्भाग्य की बात रही कि समाज में उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं आ पाई है। अभी कुंभ मेला प्रयागराज होने जा रहा है और भारत साधु समाज या संत समाज समस्त अखाड़ा परिषद से लेकर जितने भी संगठन हैं, हम भारत साधु समाज और राज्य सरकारों से ये मांग करेंगे कि गंगा जी के प्रति भय भी न हो न प्रीत, क्योंकि आपने धन की आवश्यकताओं को गंगा जी के या अन्य नदियों के संरक्षण के लिए अनुदान या उसके लिए एक बजट तो बना दिया, परंतु उस पर कठोर कोई भी कानून नहीं बनाया। जब तक बड़े प्रेम से लोगों को समझाया जाए, आस्था की जाए, जब आस्था से ना समझाया जाए तो ये साधु समाज की मांग है कि इस पर कठोर से कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि लोगों के अंदर भय हो, और भय होने के बाद हमारी नदियों को, हमारी जितने भी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, वो बस सुरक्षित हो सके।